के प्रति आगे लेके जाओ, मतलब कि आप खुद चाहे जिम ना जाते हो, मॉर्निंग वॉक पे, योगा, एनीथिंग, मतलब कि आप खुद इस चीज के अंदर इंडल्ज होना स्टार्ट करो एंड आपको जो प्रोडक्ट लगता है जो आपके यूज का है वो आपको करना चाहिए एनर्जी नाइन रेंज में से। और मैं स्पेशली कहूंगा कि जैसे कि हमारा वे प्रोटीन हो गया, वो तो आज की डेट में हर इंडियंस की नीड है। सबसे इजीली डाइजेस्टेबल जो प्रोटीन होता है पूरे प्लैनेट के ऊपर, दैट इज वे प्रोटीन, एंड वे प्रोटीन के अंदर भी आइसोलेट, तो वो हमारे पास है, तो हम हर किसी को उसको कंज्यूम करना चाहिए एटलीस्ट, ताकि जो चीज आप दे रहे हो किसी को उसका फील फैक्टर आपके पास हमेशा होना चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से पिच कर पाओगे। वरना ओनली अगर सेल्समैन की तरह आप टेक्निकल नॉलेज चाहते हो और वो रट्टू तोते वाली चीजें चाहते हो तो वो भी मिल जाएगी, बट उससे कोई बहुत बड़ा बिजनेस कनेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि आप वो सारी वाइब जो अपनी होती है वो ट्रांसफर नहीं कर पाते हर बार। तो कुछ एक दो प्रोडक्ट जो आपके मतलब के हैं उनको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो सेल्फ कंजम्पशन पे मेरा हमेशा से एक फोकस रहता है कि जो भी लोग एनर्जी नाइन पे काम करना चाहते हैं वो सबसे पहले सेल्फ कंज्यूम करें, एटलीस्ट उनको रिजल्ट ना तो टेस्ट तो पता हो कि टेस्ट क्या है हमारे प्रोडक्ट का, कि अगर किसी ने बाय डिफॉल्ट ही पूछ लिया तो हम कैसे करने वाले। तो पहला तो है सेल्फ कंजम्पशन। उसके बाद मुझे पता है कि आप लोगों के मन में दो ही सवाल होंगे एनर्जी नाइन को लेकर, कि सर हमारे घर के आगे या घर के सामने एक जिम है एंड उसके अंदर हम लेके जाते हैं तो लोग बोलते हैं महंगा है। ये पहला क्वेश्चन है जो इन दी एंड आप से पूछने वाले, उसका जवाब मैं पहली स्लाइड में ही दे दूंगा कि वो क्यों है, क्या है उसके पीछे रीजंस क्या है सारे, कि लोग बोलते हैं महंगा है, हमारा प्रोटीन थोड़ा महंगा है और मार्केट के अंदर और भी ब्रांड्स है जो बहुत सस्ते मिल रहे हैं। तो एक तो अब तक ये क्वेश्चन होगा, दूसरा आप प्रोडक्ट की नॉलेज चाहते होंगे कि हर प्रोडक्ट की आपको डेप्थ में नॉलेज हो, तो ये दो पार्ट में कवर करूंगा। थर्ड जो हो गया कि अब तक सप्लीमेंट इंडस्ट्री जो थी जिम सप्लीमेंट की, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की, अब तक ये मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर नहीं आई थी। डागर सर इज वन ऑफ द ओनली पर्सन इन इंडिया जो कि जिम सप्लीमेंट की रेंज को दारू जुमना से पहले भी 2014 के अंदर इंडिया में ला चुके थे। बस इसके अंदर ये था कि स्टैब्लिश करने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए था एंड उस टाइम के साथ साथ हमने 2018 में दारू जुमना पूरी रेंज को लॉन्च करा। तो हम पहली एक इंडियन कंपनी है जो इसको डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बेच रहे हैं एंड इसके थ्रू एक बिजनेस जनरेट कर रहे हैं। तो आज इस बिजनेस की भी क्या पोटेंशियल है ट्रेनर्स के लिए एंड जो स्पोर्ट्स से जुड़े लोग हैं, लास्ट पार्ट मेरा उसके ऊपर रहेगा। तो मैं प्रेजेंटेशन एक है छोटी सी, उसके थ्रू आप सभी को समझाना चाहूंगा, वो मैं ऑन कर देता हूं। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। सर प्रेजेंटेशन विजिबल है स्क्रीन के ऊपर, एक बार कर दीजिए। सर विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है सर। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। कंपनी का प्रोफाइल आप सभी लोगों को पता होगा जितने भी लोग D9 के साथ जुड़े हुए हैं, बट फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि दो ऐसे शख्स उनके लिए हमेशा जिन्होंने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, मिस्टर जितेंद्र डागर सर एंड मिस्टर संजीव हुड्डा सर, दोनों की ही बदौलत आज हम एक करियर बना इंडस्ट्री के अंदर। कंपनी आप लोगों को पता है, मिशन इज टू क्रिएट अ केमिकल फ्री वर्ल्ड, हेल्दी वर्ल्ड। अब एनर्जी नाइन के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल, अब एनर्जी नाइन के अंदर जो सवाल आते हैं सबसे पहले मार्केट के अंदर, कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाकी प्रोडक्ट से थोड़ा एक्सपेंसिव है, जैसे उसके पीछे हर कैटेगरी का प्रोडक्ट अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर वीवो भी है, एप्पल भी है और एक्सपेक्टेड बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। हर किसी फाइंड पैरामीटर होता है, हर किसी की अपनी एक खासियत होती है, उसके हिसाब से उसका रेट डिजाइन होता है। छोटा ब्रांड भी बड़ा ब्रांड भी, उसका जो वैल्यू लगता है ना
वो पता है कि वो किस क्वालिटी का अपने प्रोडक्ट के अंदर इंग्रेडिएंट यूज कर रहा है, तो इनकी जो यूज करना आपको सर बीच डिस्टर्बेंस होता है, किसी को म्यूट कर दीजिए जिनका म्यूट नहीं है या आपका हो। तो एनर्जी 9 प्रो का यूएसपी क्या है, सबसे पहले वो जानना होगा कि हमारे प्रोडक्ट का जो रेट है वो किस हिसाब से डिजाइन होता है, उसके अंदर किस क्वालिटी का इंग्रेडिएंट है, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब मार्केट में आप जाओगे तो लोग वही बोलेंगे कि इसका प्रोटीन तो इतने का मिल रहा है, आपका इतना मिल रहा है। तो आपके पास यूएसपी होनी चाहिए कि हमारी यूएसपी क्या है, किस बेसिस के ऊपर हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन है, क्या थॉट है। तो सबसे पहली चीज है कि वाडा एंड नाडा अप्रूव्ड लिखा हुआ है, अप्रूव्ड नहीं है क्योंकि वाडा और नाडा किसी को भी अप्रूव नहीं करता है, वो एक गाइडलाइन देता है जिस गाइडलाइन को फॉलो करना होता है। और इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 98% कंपनीज हैं जो कि इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती हैं। वाडा एंड नाडा का मतलब क्या है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन एंड नेशनल एंटी डोपिंग एसोसिएशन, ये दो एक ऐसी एसोसिएशन है जो ये चेक करती है कि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कोई भी स्टेरॉइड या कोई ऐसा सब्सटेंस तो नहीं है जो बॉडी के लिए हानिकारक हो, या फिर कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट जो कि अगर हम ओवरडोज के अंदर लें बॉडी में तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो उसका एक पैरामीटर सेट कर रखा है वाडा एंड नाडा ने। कुछ कंपनीज हैं जो उसको फॉलो करती है, जो कि मात्र गिनी चुनी उंगलियों पे दो चार कंपनीज हैं जो उसको फॉलो करती है, रेस्ट नहीं करती। तो सबसे बड़ी चीज है कि हमारा प्रोडक्ट वाडा एंड नाडा गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, उसके अंदर कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट या सब्सटेंस नहीं है कि किसी को कोई हार्म हो। दूसरा डोप फ्री है कि अगर कोई एथलीट या फिर कोई प्लेयर है, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेटर्स है या कोई और मैराथन रनर है जो कि एक ऐसा प्रोडक्ट चाहता है जो कि डोप फ्री हो, तो उनके लिए बेस्ट कैटेगरी रेंज है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बहुत बड़ा मैटर होता है कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किस फैसिलिटी के अंदर हो रही है। तो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा फैसिलिटी है दैट इज USFDA, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये सबसे बड़ा फैसिलिटी होता है जिसके अंदर कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चर कर सकती है, और इसके अंदर भी बहुत कम कंपनीज हैं इंडिया के अंदर जो USFDA के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करती है। USFDA के अंदर होता क्या है, आपका अगर कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है तो उसके चेक पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं कि एक प्रोडक्ट जब उतर रहा है या फिर जब उसका रॉ प्रोटीन हम लोग सोर्स करते हैं तो उस टाइम पे उसका क्वालिटी चेक क्या होता है, जब वो यहाँ पे आता है उसका क्वालिटी चेक क्या होता है, लाते वक्त जो उसका टेम्परेचर है उसका ध्यान रखा जाता है। तो ईच एंड एवरीथिंग छोटी से छोटी चीज का उसमें ध्यान रखा जाता है, इसलिए USFDA सबसे बड़ा फैसिलिटी माना जाता है एंड हमारा प्रोडक्ट उसी के अंदर मैन्युफैक्चर होता है। फिर अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूँ, कोई भी चीज है उसका रॉ मटेरियल तो बताता है कि वो प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप घर बनाना चाहते हो, आप घर किस मटेरियल से बनाओगे उसी के अकॉर्डिंग आपके घर का प्राइस सेट होता है। सेम है कि जो प्रोटीन हम लोग यूज कर रहे हैं उसके अंदर वर्ल्ड का नंबर वन रॉ प्रोटीन हम लोग यूज करते हैं जो कि ग्लैनविया एक कंपनी है, वर्ल्ड की नंबर वन एक्सपोर्टर है वो पूरे वर्ल्ड का, जो कि सभी बड़ी ब्रांड्स को ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, GNC, आइसोपियर, ये तीन उसके बड़े ब्रांड्स हैं जो उससे प्रोटीन लेते हैं एंड उसका अगर आप प्राइस कंपेयर करोगे तो हमसे काफी ज्यादा है तीनों ब्रांड्स, आइसोप्योर का भी, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का भी, GNC का भी। तो ग्लैनविया से हम लोग प्रोटीन ले रहे हैं जो कि वर्ल्ड का नंबर वन मैन्युफैक्चरर है जिसका क्वालिटी ऑफ प्रोटीन सबसे टॉप नॉच है। फिर बहुत सारे अप्रूवल्स होते हैं जैसे कि HACCP अप्रूवल जो होता है वो हमारे पास है। इसके बाद जो हमारी R&D है प्रोडक्ट्स के ऊपर वो हमारी खुद की है। फॉर एग्जाम्पल आज जो प्रोडक्ट मैं इंडिया में यूज कर रहा हूँ एंड उसी प्रोडक्ट को अगर मैं US में यूज करूंगा तो दोनों का क्लाइमेट अलग है, दोनों का एटमोसफियर अलग है, तो दोनों के अंदर ही चेंज बॉडी के अंदर अलग आएगा, मतलब कि सेम रिजल्ट नहीं आएगा कभी भी। तो इसी प्रकार अगर हम कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं इंडिया के अंदर, मैक्सिमम जितनी भी ब्रांड्स इस फील्ड के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर डील कर रही है, वो कॉपी एंड पेस्ट के अंदर डील करती हैं कि एक स्कूप के अंदर 24 से 25 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, तो बस वो 24 से 25 ग्राम प्रोटीन दिखा देते हैं। बट उस प्रोटीन के साथ साथ ऐसे कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स होने चाहिए, ऐसे कौन से और इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जो उसका डाइजेशन जो है या फिर उसका जो एब्जॉर्प्शन रेट है उसको बढ़ा दे, जिसकी वजह से वो हमें सूट करे। क्योंकि जब तक हम प्रोटीन खा रहे हैं मैटर वहां पे नहीं खत्म होता, मैटर वहां पे खत्म होता है जब वो प्रोटीन एब्जॉर्ब करती है बॉडी। तो हमारी R&D जो है वो इंडियन गट के ऊपर है कि इंडिया का जो गट है, जो इंटेस्टाइन है, क्या वो इस प्रोडक्ट को पचा सकता है, नहीं पचा सकता। तो हमारी मेजर R&D उस चीज के ऊपर है जिसके अंदर कि हमने अपने हर प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स यूज करे हुए हैं, साथ में प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक्स यूज कर रहे हैं जो कि हमारे गट को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद अगर मैं पेप्टाइड की बात करूं तो मेरे ख्याल से बहुत कम कंपनीज हैं जो कि पेप्टाइड को अपने प्रोटीन के अंदर लेके आई हैं। पेप्टाइड्स भी दो प्रकार के होते हैं, लॉन्ग चेन पेप्टाइड्स
जिनको ब्रेक होने में बॉडी में टाइम लगता है एंड होते हैं शॉर्ट चेन पेप्टाइड जिनको एब्जॉर्ब होने में बहुत कम समय लगता है। तो हमारा जो वे एडवांस प्रोटीन है उसके अंदर मैक्सिमम 65% पेप्टाइड फॉर्म ही है, इसलिए उसका जो रिजल्ट है वो ट्रू वे के कंपैरिजन के अंदर थोड़ा ज्यादा है और जल्दी आएगा। ये हो गई हमारी आरएनडी की बात और हमारे यूएसपी की बात। अब आप इतने सारे जो चेक पॉइंट्स इसके अंदर देख रहे हो कि एक कंपनी है जो कि वाडा नाडा की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बना रही है जो कि सबके लिए सेफ है, उसके बाद उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो यूएसएफडीए है, उसकी अपनी एक आरएनडी है, वो प्रोटीन भी जो ले रही है वो वर्ल्ड का नंबर वन ग्लैंडिया कंपनी से ले रही है। अगर फ्लेवर की बात करूं तो फ्लेवर भी जापान फार्मास्यूटिकल्स जो कि वर्ल्ड का नंबर वन ब्रांड है, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड है, जो कि सबसे प्योर फ्लेवर्स देता है फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स के अंदर, हम उनसे ले रहे हैं। तो इसलिए हमारा प्राइसिंग जो है ना वो 10-20% हो सकता है। हमारा प्रोडक्ट जो है वो बड़ी अगर हमें कंपैरिजन करना है तो तो इन वजहों से हमारा जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो इस हिसाब से सेट हुआ है। ये पहली चीज हो गई कि हमारा प्रोडक्ट के बारे में अगर कोई पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि एक प्रोडक्ट जो बन रहा है ना बस वो डब्बा देख के प्राइस सेट नहीं होता है, उसके अंदर जो चीज डाली गई है उसके हिसाब से उसका प्राइस सेट होता है। अब एनर्जी नाइन के अंदर फायदे क्या क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब इससे पहले मैं थोड़े प्रोडक्ट्स कवर कर लेता हूं आपके साथ कि एनर्जी नाइन के जितने प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में थोड़ा ब्रीफिंग मैं आपको दे देता हूं कि हर प्रोडक्ट का बेसिक काम क्या होता है। अब जैसे कि सबसे हॉट सेलिंग जो प्रोडक्ट होता है दैट इज प्री वर्कआउट। अब प्री वर्कआउट जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम मार्केट के अंदर जो आता है, पहले इसका मैं यूज बता देता हूँ कि प्री वर्कआउट का इस्तेमाल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आज हम मेट्रो सिटीज के अंदर रहते हैं एंड हम सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं और उसके बाद हम इवनिंग में अगर जिम जा रहे हैं फिर कोई भी अपना वर्कआउट करने के लिए जा रहे हैं तो पूरे दिन के अंदर हमारी एनर्जी इतनी ड्रेन हो जाती है कि हमारे पास एनर्जी ही नहीं बचती है कि अब हम वर्कआउट करने जाएं। तो उस टाइम पे एक इनिशियल पुश देने के लिए, थोड़ी स्ट्रेंथ देने के लिए एक प्रोडक्ट आता है प्री वर्कआउट जिसको हम कंज्यूम करते हैं जिम जाने से 10-15 मिनट पहले, जो कि इनिशियल आपका फोकस और पूरा एनर्जी जो होता है ना वो एक जगह लगा देता है कि अब आपने वर्कआउट करना है। तो प्री वर्कआउट का जो काम होता है बेसिकली आपको एक पुश देना होता है कि अगर आप एक नॉर्मल स्टेट के अंदर बैठे हैं या फिर लेटे हैं उसके बाद अगर आप प्री वर्कआउट ले लेते हो तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं उसके बाद आपको जिम या वर्कआउट करना ही पड़ेगा। अब हमारा जो प्री वर्कआउट है वो मैक्सिमम प्री वर्कआउट से सेफ है क्योंकि मैक्सिमम प्री वर्कआउट के अंदर रिजल्ट देने के लिए एक इंग्रेडिएंट होता है जिसको हम बीटा एलानाइन कहते हैं, वो बहुत ज्यादा डाल देता है। उसका काम क्या है, चींटी कटवाना, बॉडी के अंदर एक टिंगलिंग इफेक्ट देना। बहुत ही सस्ता रॉ मटेरियल है वो, एक तरीके से बहुत सस्ता इंग्रेडिएंट है और मैक्सिमम कंपनीज उसी को बहुत ज्यादा डाल देती हैं क्योंकि जब बॉडी में चींटियां काटती हैं तो हमें लगता है एक रिजल्ट आ रहा है, कुछ सेंसेशन हो रही है, बट उसका एक्चुअल में कोई मसल्स के ऊपर या फिर कोई स्ट्रेंथ के ऊपर कोई रिजल्ट नहीं है ना कोई स्टेमिना के ऊपर। बट लोगों के अंदर एक मिथ बन चुका है कि शायद उसकी वजह से हम जिम जा पा रहे हैं वर्कआउट कर पा रहे हैं। तो जितने भी सस्ते प्री वर्कआउट्स होंगे उसके अंदर कैफीन बहुत ज्यादा मिलेगा आपको जो कि अनसेफ है। एक प्रोडक्ट के अंदर 200-300 mg अगर कैफीन है दैट इज मोर देन इनफ, इससे ज्यादा कैफीन होना नहीं चाहिए वरना आपको नींद में इशू आने लगते हैं या फिर आपका ब्लड प्रेशर बहुत शूट हो सकता है। तो हमारा जो प्री वर्कआउट है वो एज पर वाडा नाडा ही बना है, तो उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो सारे के सारे ऐसे हैं कि वो आपको हार्म नहीं करेंगे कभी भी एंड आपकी स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना के अंदर वो आपको बूस्टअप देंगे। तो जो प्री वर्कआउट है उसका ये काम है, आपको 10-15 मिनट पहले लेना है वर्कआउट करने से। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रोटीन की तो हमारे पास तीन तरीके के प्रोटीन है, एक ट्रू वे है, एक वे एडवांस है, एक वे आइसोलेट है। जो ट्रू वे है वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि अभी नॉर्मली जिन्होंने जिम जाना स्टार्ट ही करा है या फिर जिनको हल्का सा अपना मसल मास थोड़ा इंक्रीज करना है और जिनको डाइजेशन का ऐसा कोई इश्यू नहीं है क्योंकि उसके अंदर कॉन्सेंट्रेट फॉर्म थोड़ा ज्यादा है। उसके बाद आइसोलेट है, वो दो प्रोटीन से बना हुआ आइसोलेट प्लस कॉन्सेंट्रेट, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है जिन्होंने अभी जिम स्टार्ट ही करा है। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्रोटीन पसने में थोड़ी दिक्कत होती है तो उनके लिए वे एडवांस या फिर वे आइसोलेट हम लोग प्रेफर करते हैं। वे एडवांस के अंदर आपका आइसोलेट भी है, कॉन्सेंट्रेट भी है, साथ में 65% पेप्टाइड फॉर्म भी है, तो उसका रिकवरी रेट ट्रू वे के मुकाबले ज्यादा बेटर है। उसके बाद अगर मैं सबसे फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन की बात करूं कि जो बॉडी में जाते ही विद इन 10 मिनट्स अपना पूरा काम कर देता है, वो है वे आइसोलेट। अब जो वे आइसोलेट है वो थोड़ा महंगा भी है,
उसके पीछे रीजन क्या है कि वे आइसोलेट के अंदर मिनिमम कार्ब्स होते हैं, मैक्सिमम प्रोटीन होता है, 85% से लेकर 90% तक उसमें प्रोटीन ही अवेलेबल होता है, एंड वो फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है जिसको पचाने के लिए बॉडी ने कुछ मेहनत ही नहीं करनी। तो अगर हमें अपना वे आइसोलेट मार्केट में किसी को दिखाना है, फिर खुद सेल्फ कंज्यूम करना है, एंड अगर हम उसके प्राइस की तरफ देख रहे हैं तो वो प्रोडक्ट नहीं जो प्राइस की तरफ देखने वाला है, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आप कोई अच्छा वे आइसोलेट लोगे, जैसे कि एक कंपनी है आइसो प्योर का, तो उसका भी लगभग 7-8 हजार रुपए का 2 किलो पड़ेगा, 9 हजार रुपए का 2 किलो पड़ेगा। तो हमारा जो क्वालिटी है प्रोटीन के अंदर अगर आप करोगे तो आइसो प्योर हो गया, डायमंड आइस का आइसो सेंसेशन हो गया, इसके अलावा ऑप्टिमम न्यूट्रिशन हो गया, जीएनसी हो गया, इनके रेट के आसपास आपको हमारा प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल भी उनके आसपास ही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं BCAA की, तो अभी हम लोगों ने नया BCAA करा है लॉन्च, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो हमारा 450 ग्राम की पैकेजिंग के अंदर आया है। अब जो BCAA होता है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है इंस्टेंट रिकवरी देना। जिस टाइम पे आप वर्कआउट कर रहे होते हैं उस टाइम पे आपका मसल ब्रेक होता है। अब जब मसल ब्रेक होता है तो आप एक सेट से जब दूसरा सेट लगाने जाते हो तो दूसरे सेट के अंदर थोड़ी एनर्जी ऑब्वियसली कम हो जाती है, क्योंकि अभी अभी आप एक सेट करके आए हो, आपकी एनर्जी भी स्पेंड हुई है, साथ में आपका मसल टिश्यू भी ब्रेक हुआ है। तो उस टाइम पे उसको इंस्टेंट रिपेयर करने के लिए क्या चीज, कुछ चीज चाहिए जो सबसे पहले एनर्जी दे और इंस्टेंट हमारी, तो उसके अंदर आपका ये यूज होता है। सर वो आ रही है क्या स्क्रीन? आ रही है, स्क्रीन गायब हो गई। हाँ एक मिनट में स्क्रीन ऑन कर दूं। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। अब विजिबल है सर? हेलो जी सर, विजिबल है। ठीक है, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो BCAA का काम क्या होता है, इसके अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसके अंदर की मेजर 3 अमीनो एसिड से बना होता है BCAA, ब्रांचिंग अमीनो एसिड जिसको हम कहते हैं, जिसमें एक होता है ल्यूसीन, एक होता है आइसोल्यूसीन और एक होता है वेलिन। तो तीन अमीनो एसिड से बनके हमारा BCAA बनता है। बट हमारे BCAA के अंदर अच्छी बात क्या है, इसके अंदर 15 ग्राम के स्कूप के अंदर 8.5 ग्राम BCAA है, 1 ग्राम ग्लूटामाइन भी है, साथ में सिट्रुलिन है। ग्लूटामाइन एंड सिट्रुलिन भी आपका ब्लड के एब्जॉर्प्शन, सिट्रुलिन जो होता है ब्लड का जो होता है हमारा पंप, उसके अंदर हेल्प करता है, ग्लूटामाइन रिकवरी के अंदर हेल्प करता है। तो ये एक ही प्रोडक्ट के अंदर आपको मिल जाते हैं। साथ में इसका जो फ्लेवर है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, वर्ल्ड लीडिंग ब्रांड है स्काईवेशन का एक्सटेंड, सबसे ज्यादा जो चलने वाला प्रोडक्ट है वो एक्सटेंड था अपने टाइम में BCAA की कैटेगरी के अंदर। हमारा फ्लेवर उससे 20 या 22 ही मिलेगा, 19 नहीं मिलेगा। तो ब्लू रेसबेरी फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, साथ में और भी कुछ फ्लेवर्स इसमें आने वाले हैं, वो सारे अमेजिंग है। एंड जिस प्राइसिंग के ऊपर है उसके अंदर तो मेरे ख्याल से ट्रेडिशनल में भी कोई विद बिल नहीं दे रहा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च करा है LRG9। अब LRG9 का काम क्या है, LRG9 आपकी वेसोलिडेशन के अंदर काम करता है, जितने भी ब्लड वेसल्स है उसके अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ाने में काम करता है। तो ये ना केवल जिम वाले पर्सन के लिए अच्छा है, ये नॉर्मल लाइफस्टाइल के अंदर भी बहुत अच्छा है। जितने भी लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है ये उसके अंदर भी हेल्प करता है, जितने लोगों को हार्ट की दिक्कत है ये उन लोगों को भी दिया जा सकता है, प्रेगनेंसी के अंदर भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं LRG9। इसके अलावा मल्टीपल फंक्शंस है इसके, क्योंकि अगर आपका ब्लड फ्लो बॉडी के अंदर अच्छा है तो पूरे दिन जो भी आप खाना खा रहे हो या फिर कोई भी सप्लीमेंट खा रहे हो, ब्लड के थ्रू ही आपके हर ऑर्गन तक या मसल तक जाना है। तो जितना अच्छा आपका ब्लड का सर्कुलेशन होगा उतना ज्यादा आप न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, उतना ज्यादा न्यूट्रिएंट आपका मसल ले पाएगा। तो इसका काम भी सेम, मतलब कि ब्लड को ब्लड फ्लो बढ़ाना होता है। उसके बाद आ गया EAA। EAA होता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स। बेसिकली जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं उनको तो अमीनो एसिड्स अपने नॉन वेज से मिल जाते हैं, बट जितने भी लोग वेगन है या फिर प्लांट बेस्ड डाइट के ऊपर है उनको सारे अमीनो एसिड्स नहीं मिल पाते। तो उन लोगों के लिए हम लोग एसेंशियल अमीनो एसिड यूज करते हैं, BCAA की जगह उनको हम EAA दे सकते हैं, थोड़ा एडवांस फॉर्म होता है। इसके अंदर BCAA वाले सारे अमीनो एसिड होते हैं, उसके अलावा 7 से 8 अमीनो और होते हैं, और ये ब्लूबेरी फ्लेवर के अंदर है, काफी अमेजिंग है। अब इसके अलावा जो जिम वालों के लिए बहुत जरूरी प्रोडक्ट है उसके अंदर से एक है ऑल ग्रीन रूटीन। इसका बेसिक फंक्शन के ऊपर तो डागर सर ने ट्रेनिंग दे ही रखी है 1 घंटे की, एंड उसके अंदर सारी चीजें कवर है। बट अगर मैं जिम वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो जितने भी लोग जिम जाते हैं या फिर जो जिम ट्रेनर्स हैं, एथलीट्स हैं, उनका जो प्रोटीन का कंजम्पशन होता है सप्लीमेंट के अलावा डाइट से भी बहुत ज्यादा होता है। वो दिन में 100 ग्राम 200 ग्राम तक प्रोटीन खा रहे होते हैं।
और इतने सारे प्रोटीन को पचाने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एंजाइम्स और गुड बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है। तो ऑलग्रीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर वो सारी चीजें हैं कि अगर आपका प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, उसको ब्रेक होने में दिक्कत आ रही है, आपका ऑलग्रीन आपको हेल्प करता है। साथ में इसमें मिल्क चीसल है तो वो आपका लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन पे भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब ऐसे तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स है हमारे पास सेगमेंट के अंदर, ठीक है ना। बट जब आप मीटिंग करते हैं, अभी तक मैंने आपको बेसिक बता दिया एनर्जी नाइन का प्रोडक्ट्स का। अब जब हम मीटिंग करते हैं तो हमें मीटिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है, अगर किसी भी जिम ट्रेनर से करनी है तो सिंपली हमें उसे सिंपल बात करनी है कि हम किस ब्रांड पे काम कर रहे हैं एनर्जी नाइन फूड न्यूट्रिशन के ऊपर, उसका यूएसपी क्या, हमने थोड़ा बहुत बता दिया जो अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद आप सिंपल प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बात करो, प्रोडक्ट का जो प्राइस है जेन्युइन उसके ऊपर बात करो, और उसके बाद अगर आपको कोई प्रोडक्ट ट्राई करवाना है तो उसके अंदर आप कुल्फी शेक हो गया हमारा, वो करवा सकते हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम में हमें वो प्रोडक्ट ट्राई करवाना चाहिए जो कि बंदे को एकदम से क्लिक करे। अब कुल्फी शेक जो है वो हमारा एक ऐसा सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट है, क्योंकि वो जो फ्लेवर है कुल्फी वाला वो इंडियन फ्लेवर है, तो लोगों को वो रिमाइंड करा देता है उनकी कुल्फी की, और कुल्फी की फॉर्म के अंदर उनको अगर प्रोटीन मिल रहा है तो उनके लिए इससे बढ़िया चीज कुछ नहीं हो सकती, तो वो हमारा एक एकदम से क्लिक करने वाला प्रोडक्ट है। तो अगर आपको प्रोटीन टेस्ट कराना है तो कुल्फी फ्लेवर करवाइए। उसके अलावा इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा आपको प्री वर्कआउट का, BCAA का भी मिल सकता है, तो दो तीन प्रोडक्ट है जिसका आप सैंपल उनको करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप उनको क्या बेनिफिट्स बता सकते हो जो हमारे पास है, जो बाकी ब्रांड्स के अंदर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम ब्रांड्स के अंदर उनको जो होता है वो रेट नहीं मिल पाता, मतलब कि प्रॉपर मार्जिन, तो हमारे ब्रांड के अंदर 40-60% का जो है मार्जिन है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर आपको बिल के साथ प्रोडक्ट मिल रहा है, डायरेक्टली कंपनी से मिल रहा है, डुप्लीकेसी का जीरो चांसेस है, ये सारी चीज आप उनको बता सकते हो। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है कि एनर्जी नाइन बाकी से अलग क्यों है एज अ बिजनेस मॉडल। अब तक जो भी मैंने आपको बताया या आपने आगे लोगों को बताया, ट्रेनर्स को बताया कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा, हमारी ब्रांड अच्छी है, साथ में रिजल्ट अच्छा है और प्राइसिंग अच्छी है, मार्जिन अच्छा है, फिर आपसे बस एक ही बात करो, ये जो काम है रिटेल वाला, ये तो आप जब से ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है तब से करते हुए आ रहे हो, बट एनर्जी नाइन इसके साथ क्या एक मौका दे रही है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हो, वो ये है। अब स्टोरी ऑफ स्टार्टिंग एनर्जी नाइन फॉर ट्रेनर्स, ये सबसे मेजर पार्ट है जहां पे हम नेटवर्किंग को इन्वॉल्व करते हैं कि एनर्जी नाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो बाकियों से क्यों अलग है, ट्रेडिशनल मार्केट में अब तक जितने भी ब्रांड्स आए हैं क्यों अलग है। आप उनको सिंपल एक ये स्टोरी बताओ, स्टोरी क्या, ये फैक्ट है कि 97 में जब से जिम इंडस्ट्री आई थी इंडिया के अंदर, जब से सप्लीमेंट का चलन स्टार्ट हुआ था, और आज 2022 हो चुका है, तो इस दौरान के अंदर, इतने लंबे गैप के अंदर, 20 से 25 सालों के अंदर, इस इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा ग्रोथ कर ली है। पहले इस इंडस्ट्री के अंदर जब सप्लीमेंट आया था तो उसको डब्बे के नाम से जाना जाता था, बट आज की डेट के अंदर लोग उसको वे प्रोटीन या फिर सप्लीमेंट बोलते हैं, फूड सप्लीमेंट। आज डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर रहे हैं, आज न्यूट्रिशनिस्ट भी रिकमेंड कर रहे हैं, डाइटिशियंस भी रिकमेंड कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है, बट पहले इसको एक अलग तरीके से देखा जाता था। तो इसकी मार्केट की वैल्यू बनाने वाला, मार्केट के अंदर सप्लीमेंट का ट्रेंड बनाने वाला कौन पर्सन है, वो ट्रेनर होता है जिसने मेहनत करके इस ब्रांड, किसी भी छोटी कंपनी को एक ब्रांड बनाया, बट उसके बदले में उसको आज तक क्या मिला है, कुछ भी नहीं। या आप उनसे सिंपल बात कर सकते हो कि आज तक उनको क्या मिला है, उन्होंने कितनी सारी कंपनीज को अपना ब्रांड बना दिया है, आज ऑप्टिमम न्यूट्रिशन है, आज वो 200 प्लस देशों के अंदर काम कर रही है, बट कोई ट्रेनर है जो 200 प्लस देशों के अंदर काम कर पा रहा हो उस ब्रांड के साथ, कभी भी नहीं। वो जिस एरिया में पहले उस सामान को बेचता था आज भी वहीं पे बेच ही रहा है, बस ओनली सेल्स। तो कंपनीज ने बहुत सारा यूज करा है ट्रेनर्स का कि, बट रिटर्न में उनको ऐसा कुछ नहीं मिला। और यूज करा है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी कोरोना टाइम के अंदर, जिस टाइम पे जिम बंद थे, तो उस टाइम पे ऐसा कोई उनपे बैकअप मॉडल नहीं था या फिर कुछ ऐसी चीजें नहीं थी जो कंपनी द्वारा दी गई हो, कोई ऐसा सिस्टम दिया गया हो कि उनका एक इनकम रेगुलर हो पाए उस ब्रांड के साथ। इससे बढ़िया तो अगर वो शेयर्स के अंदर काम करते तो शायद उससे कुछ रिटर्न होता, बट यहाँ पे नहीं हुआ। बट आज ये जो इंडस्ट्री है सप्लीमेंट की, 2,00,000 करोड़ से ऊपर की हो चुकी है, बट इसके अंदर ट्रेनर का शेयर 1 रुपए का भी नहीं है। वो बस वही कमा रहा है जो वो अपने ऊपर से रख के कमा पाता है, वो है रिटेल मार्जिन, और वो एक एक्टिव इनकम है। उसके बाद अगर मैं बात करूं वेयर वी स्टैंड, आज बहुत सारे एथलीट्स हैं इंडिया के अंदर, ऐसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं जिनको ये लगता है सप्लीमेंट ब्रांड है ना, वो उनको एक स्पॉन्सरशिप दे दे, या फिर वो स्पॉन्सरशिप चाहते हैं, बट असलियत में स्पॉन्सरशिप का मतलब कभी भी
ये नहीं होता है कि हमें 8-10 हजार रुपए का सामान मिल जाए, क्योंकि 8-10 हजार रुपए से ऊपर की वैल्यू है इस पर्सन की जो इतनी मेहनत कर रहा है दिन और रात जिम के अंदर। बट इंडिया में दिक्कत क्या है कि वो चलन चल चुका है एंड लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं एंड उसी को बेंचमार्क मान के बैठ गए हैं कि उनको कुछ थोड़ा मोटा पैसा मिल जाए और 2-4 डब्बे मिल जाए अपने कंजम्पशन के लिए, वो उसको स्पॉन्सरशिप मानते हैं। बट अगर मैं स्पॉन्सरशिप की बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली है या फिर जितने भी क्रिकेटर्स हैं, अगर आप उनसे स्पॉन्सरशिप की बात करूं, आप मान जाते हैं। तो एक ब्रांड बनाया जाता है हर जगह पे, तो यहाँ पे बॉडी बिल्डर्स को ब्रांड नहीं बनाया गया, उनको बस एक सेल्स कंपनीज आज भी एथलीट है जिसकी बॉडी है वो उनका डब्बा पकड़ के खड़ा हो जाएगा, वो इंस्टाग्राम पे एक फोटो पोस्ट करेगा एंड उसके थ्रू डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सेल उस कंपनी पे चली जाती है। कल के दिन वो बंदा उस ब्रांड के साथ है या नहीं, बट उसके साथ जो जुड़े कस्टमर थे जिन्होंने सबको ट्राई करा वो उस कंपनी से बार बार ले रहे हैं, बट उसको कुछ भी नहीं आ रहा आज तक, फिर वो नई कंपनी ढूंढता है, फिर वो नई कंपनी। तो आज इंडिया पे ऐसा फाइनेंशियल बैकअप नहीं किसी भी ब्रांड ने दे रखा, ओनली 2-4 सप्लीमेंट के बॉक्स दे देते हैं एंड उसके ऊपर एथलीट भी खुश हो जाते हैं। बट आज एनर्जी नाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से कि वो रियल अर्निंग्स अपनी कर सकते हैं एक ब्रांड के साथ जुड़ के, जो वो काम किसी और ब्रांड के साथ कर रहे थे अगर आज वो यहाँ पर करते तो उनके साथ क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो हम देखते हैं। सॉल्यूशन तो हो सकता है बट इसके अंदर भी दो एस्पेक्ट आ जाते हैं, या तो 100% इग्नोर कर दें कि हम जैसे थे हम वैसे बन के बैठे रहे, जैसे कबूतर करता है जब बिल्ली होती है सामने, क्या मांग बन करके बैठ जाए वो जैसे हैं जिस कंफर्ट जोन में उसी काम करना, वो कंफर्ट जोन क्या है रिटेल मार्जिन जो कि हम दे ही रहे हैं। तो यहाँ पे विन विन सिचुएशन, अगर वो रिटेल करना चाहता है तो रिटेल तो हम दे ही रहे हैं पहले दिन से, दूसरा बेनिफिट के लिए एक बड़ा बिजनेस करना चाहता है तो वो कैसे हो सकता है, क्योंकि आज तक हुआ एक ट्रेनर ने ही दूसरे ट्रेनर को बताया कि भाई ये ब्रांड अच्छी है ये ब्रांड अच्छी है। फॉर एग्जांपल मैं एक ब्रांड का नाम यूज कर रहा हूँ जो बहुत कम टाइम के अंदर काफी ऊपर चली गई जस्ट बिकॉज माउथ पब्लिसिटी वर्ड ऑफ माउथ, वो है मसल ब्लेज। मसल ब्लेज जब इनिशियल इंडिया के अंदर उसने काम करना स्टार्ट करा, इंडियन कंपनी है, तो उसके प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसा इम्पैक्ट नहीं था, कुछ ऐसा क्वालिटी नहीं था कि वो हर किसी को छू पाती, बट इनिशियल लेवल के ऊपर उसने अपनी ब्रांडिंग बहुत अच्छी करी, इनिशियल लेवल के ऊपर उसने डिस्काउंट्स बहुत दिए ट्रेनर्स को, थोड़े सैंपल्स दिए, उस लालच के अंदर ट्रेनर्स ने भी अपने हर क्लाइंट को प्रोडक्ट पहुंचा दिया। और इन दी एंड हुआ क्या, इन दी एंड ये होता है कोरोना लगता है तो लॉकडाउन लगता है तो जिम्स बनते हैं, बट लोगों को तो प्रोटीन मल्टी मैंने उमेगा 3 तब भी खाना था, तो उस टाइम पे डायरेक्टली लोगों ने कंपनी से बाय करना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ई कॉमर्स से या फिर डायरेक्ट वेबसाइट से, उस टाइम पे किसी भी ट्रेनर्स की कोई कम नहीं हुई बल्कि इस ब्रांड को खड़ा करने वाले ट्रेनर्स थे। तो आज की डेट के अंदर हर ट्रेनर दूसरे ट्रेनर को बताता है कि यार अगर उसके एक्स वाई जेड ब्रांड का या फिर इस ब्रांड का, तो वो बताता ही अपने दूसरे दोस्त को कि भाई मैं इस प्रोटीन को यूज कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तुम भी यूज करके देखो। वो बंदा भी यूज करता है, वो दोनों एक ही बेच रहे होंगे या फिर खा रहे होंगे, बट उनको आपस में कोई बेनिफिट नहीं होगा कंपनी को। बट यहीं पर अगर मैं नेटवर्किंग का फॉर्मूला उनको समझाऊं कि आज की डेट में एक ट्रेनर के पास मिनिमम 20-30 ट्रेनर का सर्कल होता ही होता है, अगर आज मैं ट्रेनर को मेरे जितने भी दोस्त होंगे मैक्सिमम ट्रेनर्स ही होंगे, ट्रेनर तो हर कोई जानता है, तो अगर आज हम एनर्जी नाइन के साथ जुड़ के इसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं और हमें अच्छा लगता है, पहली कंडीशन है कि हमें अच्छा लगता है, उसके बाद अगर हम अपने 20-30 ट्रेनर्स को बताएं तो क्या महीने के अंदर दो ट्रेनर इस कॉन्सेप्ट के अंदर जुड़ेंगे? नहीं, ऑब्वियसली जुड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर तो कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, ये प्रोडक्ट तो वो आज भी कहीं ना कहीं से खरीद रहे थे विदाउट बिल, जिसके अंदर की श्योरिटी भी नहीं थी। आज श्योरिटी के साथ दो लोगों को जोड़ना इस प्रोडक्ट के साथ ब्रांड के साथ कोई बड़ी बात नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट अगर हम एक साल तक करें तो 2, 4, 8, 16 जो नेटवर्किंग के अंदर हम अपना प्रोजेक्शन दिखाते हैं, सेम प्रोजेक्शन के अंदर 8,000 लोग लगभग जुड़ते हैं और एक ट्रेनर मिनिमम अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए 5-7 हजार रुपए का सप्लीमेंट खाता है मिनिमम, इससे ऊपर का ही है बट हम एवरेज लेके चल रहे हैं कि चलो कोई बंदा बस एक प्रोटीन का डब्बा ही खा रहा है तो 5,000 रुपए स्पेंड कर रहा है, तो 8,000 का नेटवर्क जो ट्रेनर का हमने बनाया है, अगर वो 5,000 रुपए भी स्पेंड करता है तो मोटा मोटा 4 करोड़ की सेल होती है एंड बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग उसका मिनिमम 2% पैसा भी अगर आता है, जो कि अभी 5-7% आ रहा है बट ऑन मिनिमम बेसिस फ्यूचरिस्टिक अगर हम सोचें तो 2% भी अगर आ रहा है तो ये 8 लाख रुपए पर मंथ की इनकम है, जो कि एक ट्रेनर आज तक इंडिया में डेवलप नहीं कर पाया।
क्योंकि उसके पास एक लिमिटेशन थी और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। तो आज हमने उसी का काम एक सिस्टम के साथ जोड़ के उसको दिया है। तो ये जो प्रेजेंटेशन है ये आपको समझानी है। अब इसके अंदर किसी का कोई भी सवाल हो तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं। मेजर तौर पे जो प्रेजेंटेशन है वो यही है। आप कंपनी को समझिए, ब्रांड को, यूएसपी को, प्रोडक्ट को, उसके बाद जो हमारा सिस्टम है वो बताइए। बहुत ही शानदार सर, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग आपकी। और किसी का भी कोई क्वेश्चन और क्वेरी है एनर्जी प्रो से संबंधित वो प्लीज अपना हैंड रेस कर सकता है, उसको मैं वन बाय वन लूंगा। किसी का भी कोई क्वेश्चन इंक्वायरी है तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। एनर्जी प्रो को लेकर किसी का भी कोई क्वेश्चन इंक्वायरी है? नीरज जी है हमारे साथ। जी नीरज जी बताइए सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मुझे मतलब ऐसे कोई क्वेरी नहीं है, मुझे ये वीडियो चाहिए पूरा, इसका रिकॉर्डिंग, उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, पासकोड के साथ मिलेगा। सिर्फ जूम पे ये ट्रेनिंग रहेगी, यूट्यूब पे नहीं रहेगी सर, एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग है ये दाजू मैम की। राइट, ओके, थैंक यू, बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी। राजीव जी हमारे साथ कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी राजीव जी। सर जो हमारे प्रोटीन्स हैं, मान लीजिए आज ही मेरे सामने क्वेश्चन है सर, वो जिसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उन्होंने प्रोटीन यूज करना है तो कौन सा यूज करना चाहिए? वो ना तो उन्होंने बॉडी बनानी है, ठीक है, ना वो एक्सरसाइज करते हैं, यंग है, लगभग 25-30 के बीच में एज है, तो कौन सा प्रोटीन उन्हें सजेस्ट करना चाहिए? वे एडवांस। वे एडवांस थैंक यू सो मच सर। सर उसके लेने का तरीका क्या होगा, कैसे कैसे और कब लेना चाहिए? ब्रेकफास्ट के बाद एक स्कूप, दिन में एक स्कूप बस। ब्रेकफास्ट के बाद दिन में एक स्कूप, कैसे यूज करना है? पानी में, दूध, पानी में, जितना भी प्रोटीन है ना वो हमें पानी में यूज करना है। अगर गेनर को अगर हमें यूज करना है तो गेनर हमें करना है दूध के अंदर, और अगर दूध डाइजेस्ट नहीं होता है तब पानी में करना है, प्रोटीन हमें पानी में करना है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। किसी का और कोई सवाल तो पूछ सकते हैं एनर्जी प्रो से कंसर्न, कोई प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, किसको कौन सा प्रोडक्ट देना है, कोई और टेक्निकल क्वेश्चन किसी का हो तो प्लीज हैंड रेस करें अपना। गेनर की इंफॉर्मेशन, ओके, तो गेनर जो है हमारा मार्केट से कैसे अलग है और हमारे की क्या यूएसपी, मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ। मार्केट में जितने भी वेट गेनर्स आते हैं तो उसके अंदर मैक्सिमम जो गेनर का काम क्या होता है, मैक्सिमम कार्ब्स देना। अब कार्ब्स भी दो प्रकार के आते हैं कि एक सिंपल कार्ब्स होता है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होता है। जितने भी सिंपल कार्ब्स के साथ गेनर आएंगे जिसके अंदर की प्रोटीन रेशियो भी कम है एंड उसका जो कार्ब्स को जो सोर्सिंग हो रही है वो सिंपल कार्ब्स से हो रही है, मतलब की चीनी से हो रही है, तो उसके अंदर बॉडी वाटर को ज्यादा रिटेन करती है। मैक्सिमम आपने देखा होगा कि काफी लोग कहते हैं कि गेनर लेने के बाद उनका पेट बाहर आ गया या फिर जो फेस है उसके ऊपर स्वेलिंग सी आ गई। वो होता क्यों है? क्योंकि जितना भी चीनी वाला प्रोडक्ट लोगे वो भी एक कार्ब्स ही है, तो चीनी क्या होता है वो आपका वाटर होल्ड करेगी एंड वो मैक्सिमम वहीं पे होल्ड करेगी जहां का आप वर्कआउट नहीं करते हो। मैक्सिमम लोग जो लोग गेनिंग पे होते हैं उनके ट्रेनर्स कभी भी वर्कआउट नहीं करवाते हैं पेट का, ठीक है ना, ना कार्डियो करवाते हैं क्योंकि उनको गेन करना होता है। दूसरा फेस का, तो सबसे पहले जो हमारा वाटर रिटेन होता है वो यहीं पर होता है एंड जो हमारी बॉडी के अंदर वेट बढ़ भी रहा होता है वो वाटर वेट बढ़ता है। तो जैसे ही आप उस गेनर को छोड़ोगे वैसे ही आपका वेट दोबारा लूज हो जाएगा। अब जो एनर्जी नाइन का गेनर है उसके अंदर दो खासियत है। पहली चीज थी ये है कि 22% उसके अंदर प्रोटीन है, मतलब कि 100 ग्राम के अंदर 22 ग्राम प्रोटीन है। मार्केट के अंदर मैक्सिमम 16 या 18 ग्राम मिलेगा आपको 100 ग्राम के अंदर, तो हमारा प्रोटीन का रेशियो उनसे ज्यादा है। दूसरा जो इसके अंदर मैक्सिमम मोर देन 60% जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से आ रहा है, मतलब कि वो वाटर को होल्ड नहीं करेगा, वो मसल वेट को बढ़ाने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल एक होता है व्हाइट राइस, एक होता है ब्राउन राइस। तो ब्राउन राइस को कहा जाता है कि वो ज्यादा बेटर है खाने में, वो भी कार्ब्स का सोर्स है, तो हमारा व्हाइट राइस यूज ना होकर ब्राउन राइस यूज हो रहा है कार्ब्स के लिए, तो हमारा गेन जो है वो इस चीज के अंदर फायदेमंद है। जी खान साहब पूछिए आपका कोई सवाल।
सर मुझे प्रोटीन के बारे में ऐसे तो काफी जानकारी है। आवाज आ रही है सर मेरी? जी हाँ जी। प्रोटीन के बारे में मुझे जो जानकारी है, चूंकि मैं सामी डायरेक्ट में था, तो मुझे एक चीज इसमें बताई गई थी कि प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता है, कोई भी प्रोटीन हर आदमी को डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे एक समझना है कि प्रोटीन में अपने डाइजेस्ट होने के लिए जो चीजें हैं वो तो कंफर्म है, इसके बगैर तो प्रोटीन बॉडी को ऑब्जर्व होता ही नहीं। आपने बताया अभी, थोड़ा सा मुझे समझना आया, लेकिन इसमें क्या एज वाइज कुछ ऐसा है कि जैसे अभी बच्चे बढ़ते हुए बच्चे हैं, उनको किस एज से किस एज तक के कौन सा प्रोटीन देना, थोड़ा इस पर भी आप गाइड करेंगे तो। और सेकंड, जो जिम वालों का आपने बढ़िया आपने बताया, सारा हम लोगों को मिल गया। और खास करके जो है जो बच्चों वाला प्रोटीन है उसको किस एज से किस एज तक के लिए क्या डोज रहेगा और कौन सा ज्यादा सुटेबल रहेगा, कितना उनको देना रहेगा, ये थोड़ा सा बताएंगे तो। चूंकि बढ़ते बच्चों की फिक्र हर परिवार को होती है, और उसके बाद में लेडीज के हिसाब से भी थोड़ा सा बताएंगे कि लेडीज अगर प्रोटीन यूज करना चाहे तो उनके लिए कौन सा प्रोटीन कितना लेना सही रहेगा, जो एज के हिसाब से थोड़ा सा आप लोग बता देंगे तो अच्छा रहेगा। सर मुझे इतना ही पूछना है, और अगर मेरा सवाल अगर सही समझ में आया हो तो थोड़ा उसी हिसाब से गाइड करें। थैंक यू सर। सर बेसिकली प्रोटीन हम सभी की रिक्वायरमेंट है, तो मैं बेसिक बताऊंगा, बेसिक से स्टार्ट करूंगा, फिर एडवांस जो होता है जिम वाला वहां तक बताऊंगा। अगर बेसिक आपके घर के अंदर हर कोई अपनी प्रोटीन की डेफिशिएंसी को पूरा करना चाहता है, क्योंकि इंडिया के अंदर 90% लोगों को डेफिशिएंसी है प्रोटीन की एंड विटामिन डी की, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी पूरा करने के लिए सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो है अनफ्लेवर्ड प्रोटीन, जिसके अंदर नहीं है एंड वो इजिली डाइजेस्ट होता है, एंड उसको आप अपने आटे में मिला सकते हैं, अपनी दाल में मिला सकते हैं, किसी भी चीज में मिला सकते हैं, उसके अंदर वो प्रोटीन का जो रेशियो है वो बढ़ा देगा। तो जैसे कि घर में जो भी बच्चा खाना खाता है, ठीक है ना, अगर वो वैसा प्रोटीन नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहे, अगर आप देना नहीं चाहते, तो उसके अंदर सबसे बेस्ट है कि आप अनफ्लेवर्ड प्रोटीन लीजिए, उसको दाल में डालिए, उसको आप साथ में आटे के अंदर डालिए, तो वहां से आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जितने भी बच्चे हैं जो कि अभी ग्रोथ, मतलब कि 6 साल के 5 साल के, जो लोग बॉर्नविटा कॉम्प्लान माइलो ये सब प्रोडक्ट यूज करते हैं प्रोटीन के लिए, बेसिकली वो शुगरी ड्रिंक्स होती हैं, उसमें प्रोटीन के नाम पे बस 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 100 ग्राम में 70-80% चीनी होती है, उसकी रिप्लेसमेंट में हम लोग अपना किड्स फॉर्मूला दे सकते हैं उन बच्चों को, मतलब कि 16 साल तक की उम्र के बच्चों को आप इजिली दे सकते हो, तो उनके लिए तो वो बेटर है कि आप किड्स फॉर्मूला दीजिए। अब जो बच्चा एक्टिव है स्पोर्ट्स के अंदर, चाहे वो 14 साल का हो, 15 साल का हो, 16 साल का हो, उसको आप वे प्रोटीन देना स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो बच्चा है 14 साल का 15 साल का, उसको भी आप दे सकते हैं वे प्रोटीन, अगर वो स्पोर्ट्स के अंदर एक्टिव है। अगर वो स्पोर्ट्स के अंदर एक्टिव नहीं है फिर आप किड्स फॉर्मूला प्रोटीन दीजिए उसको। उसके बाद जितनी भी फीमेल्स उनके लिए बेटर है अनफ्लेवर्ड प्रोटीन, साथ में वो लोग वे प्रोटीन एडवांस ले सकते हैं या फिर वो डाइजेशन के लिए बहुत ईजी है एडवांस, और क्या कहते हैं आइसोलेट। साथ में अगर वो लोग अपना वेट लॉस भी करना चाहते हैं साथ साथ में, तो हमारे पास मील रिप्लेसमेंट शेक्स हैं 12 फ्लेवर्स के अंदर, एक टाइम पे आप मील रिप्लेसमेंट, उसके अंदर भी प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी है, तो वो भी आपका पूरा हो जाएगा। तो हम पे 4-5 ऑप्शन है, जो हमारा जिम वाला रेंज है वो उन्हीं को देना चाहिए ज्यादातर जो कि स्पोर्ट्स के अंदर एक्टिव है, स्पोर्ट्स के अंदर, जिम के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट प्रोटीन की ज्यादा होती है। बाकी जो नॉर्मल लोग हैं वो अनफ्लेवर्ड प्रोटीन हो गया, मील रिप्लेसमेंट्स हो गए, इनसे पूरा कर सकते। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया गाइड किया, ये हमारी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट नॉलेज थी कि हम अपने घर से अपने बच्चों से लेकर के सभी के रेंज के हम लोग प्रोडक्ट प्रोवाइड करके और लोगों के घर में इसे हम लोग सुधार लाएं। थैंक यू सर, बहुत अच्छा। अभिषेक जी, किसी का क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी के अंदर कौन सा प्रोटीन दे सकते हैं? हाँ सर, अनफ्लेवर्ड। प्लीज अपने माइक को म्यूट रखिए। संदीप जी कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? हेलो संदीप जी, आने आपको अनम्यूट किया है, आवाज आ रहे हैं? हाँ सर। हेलो जी संदीप जी, पूछिए अपना क्वेश्चन। सर मैं यही पूछना चाह रहा था कि ये दूध और पानी में दे सकते हैं किड्स फॉर्मूला? हाँ सर, दूध में बेटर,
दूध में बेटर है। बच्चा अभी 8 साल का है, 6-7 साल का है सॉरी सर, तो उसके लिए दे सकते हैं। अच्छा, एक टाइम दो टाइम? हाँ सर, एक टाइम बहुत पैसे तो बच्चों। अच्छा ठीक है सर, सुबह के टाइम? हाँ, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। अच्छा, मतलब फिर उसके बाद चाय वगैरह नाश्ता वगैरह कुछ ना? नहीं, फिर चाय वगैरह तो पीना ही नहीं चाहिए ऐसे बच्चों को, तो दूध के अंदर आप प्रोटीन दीजिए। ठीक है सर, यही पूछना। उमेश जी है हमारे साथ, और उमेश जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी उमेश जी, पूछिए अपना सवाल। जी सर जी, नमस्कार। सर जी, शरीर के अंदर ठंडक पन रहे या सुस्ती पन रहे तो प्रोटीन ले सकते हैं ना? हाँ सर, ले सकते। अच्छा, कौन सा प्रोटीन लेना बेटर रहेगा? करते हो एक्सरसाइज करते हो तो आप ट्रू वे, वे एडवांस, इनमें से कोई भी प्रोटीन ले सकते हो। अगर नहीं करते तो मील रिप्लेसमेंट शेक प्लस अनफ्लेवर्ड। ओके ओके सर, थैंक यू। जितेंद्र जी हमारे साथ, जितेंद्र जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जितेंद्र जी, गुड इवनिंग सर। सर, 6 साल के बच्चे को कितनी मात्रा में देना चाहिए प्रोटीन? सर, 6 साल के बच्चे को डिपेंडिंग ऑन वेट उसका मतलब कि 10 से 20 ग्राम प्रोटीन जाना चाहिए। उसको अगर आप अनफ्लेवर्ड प्रोटीन दे रहे हैं तो वो ज्यादा बेटर है, मतलब कि उसके आटे या फिर दाल में जो भी वो खाना खा रहा है ना उसके अंदर आप ऐड ऑन करें। दूसरा सर, लेडीज के लिए फूड सप्लीमेंट के तौर पर क्या दिया जा सकता है? लेडीज डाइटरी सप्लीमेंटेशन के लिए? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो डाइटरी के लिए सर सबसे इम्पोर्टेंट जो उनके लिए है, आप अनफ्लेवर्ड प्रोटीन हो गया। Okay. अगर वो लोग वर्कआउट करते हैं तो वे एडवांस हो गया। वर्कआउट नहीं करते हैं तो अनफ्लेवर्ड प्रोटीन और एक टाइम पे मील रिप्लेसमेंट शेक साथ में मल्टीवाइटमिन और ओमेगा 3। राइट सर। सर एक चीज, मेरी सिस्टर जो है वो 62 इयर्स की है जी, तो वो प्रोटीन लेना चाहती है तो क्या उसको प्रोटीन दिया जा सकता है? हाँ 100% सर, उनके लिए वे आइसोलेट सबसे अच्छा रहेगा। रीजन क्या है कि वे आइसोलेट के अंदर डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो, मतलब कि बहुत फास्ट है। okay. वो एकदम जाके डाइजेस्ट हो जाएगा। जितने भी जब एज बढ़ती जाती है तो उस टाइम पे हमारा डाइजेशन थोड़ा कोलैप्स होने लगता है, तो उस टाइम पे हम ज्यादा हैवी प्रोटीन नहीं दे सकते उनको। तो जो सबसे फाइनेस्ट प्रोटीन हमारे पास अवेलेबल है वो वे आइसोलेट है, तो आप उनको दे सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अजय सिंह राजपूत जी हमारे साथ। अजय सिंह जी, पूछिए सवाल। मैं गुजरात सूरत से बोल रहा हूँ। हेलो सर, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी। हाँ, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ सर, सूरत से। 3 साल की बच्ची हो उसके लिए अपना प्रोटीन पाउडर, बच्चों का ग्रीस प्रोटीन फॉर्मूला जो है वो कितना मात्रा में देना चाहिए उसको? 3 साल की बच्ची है। 3 साल के बच्चे सर वैसे नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से, तो थोड़ा अगर वो नहीं, उनको अगर आप कुछ खाना खिला पा रहे हैं तो उसके अंदर आप अनफ्लेवर की मात्रा थोड़ी कर सकते हैं। बाकी अगर अभी अगर देना, हाँ हाँ हाँ, अगर उसको देना चाहे तो पानी में दे सकते हैं या दूध में थोड़ा बहुत भी? हाँ, दूध में आप दे सकते हो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 5 ग्राम दिन में। अच्छा, और अपने जो प्रोटीन पाउडर है वो शुगर पेशेंट को दे सकते हैं, जितने प्रोटीन पाउडर अपने अवेलेबल है? हाँ सर, प्रोटीन सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। हेलो हेलो हमारा सर, अब आपकी थोड़ी आवाज कट रही है शायद, मैं तो ऑन रोड हूँ। सर दे सकते हैं, कहना चाहता था कि डायबिटीज पेशेंट को जी दे सकते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, एक सेकंड में गाड़ी साइड करता हूँ। आपको अनम्यूट ना करें, जिनको हम म्यूट कर रहे हैं बार बार वो ऐसा बोल रहा ना करें। हाँ हेलो जी सर, जी भाई सर आवाज मेरी, मैं ऐसा बोल रहा था डायबिटीज पेशेंट को कोई प्रोटीन दे सकते हैं ना? हाँ सर दे सकते हैं, दे सकते हैं 100%। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके ओके सर, थैंक यू जी। ब्रजेश जी हमारे साथ। ब्रजेश जी, जी ब्रजेश जी। सर जी, जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा सवाल ये था कि जो लोग प्रोटीन ले रहे हैं, जैसे प्रोटीन एब्जॉर्प्शन के लिए प्रोबायोटिक लोग लेते हैं, तो प्रोबायोटिक क्या है, जनरल लोग ले सकते हैं क्या?
हाँ हाँ सर 100% जनरल लोग ले सकते हैं, बट अगर जनरल लोग 360 M या फिर ऑल ग्रीन ले रहे हैं तब उनको जरूरत। जी जी नहीं सर कोई कुछ नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ अगर लेना चाहे प्रोबायोटिक तो क्या ले सकते हैं ना? हाँ हाँ सर ले सकते हैं, एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग ले सकते हैं। अच्छा सर, ऐसा है कि मैंने ट्राई किया था लेकिन वो एम्प्टी स्टमक लेने से ना उसको खांसी का प्रॉब्लम होने लगा सर, तो क्या खाने के बाद दे सकते हैं क्या? हाँ फिर फूड के आधे घंटे बाद दे दीजिए, खाने के आधे घंटे बाद। राज जी हमारे साथ, राज जी पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग सर, संख्या बोल रहा हूँ मुंबई से। गुड इवनिंग सर, मैं ये जानना चाहता था सर, इतने सारे हमारे पास प्रोटीन की रेंज है राइट है? हाँ जी। इसका एक चार्ट इस तरह से बनाया जाए कि किस एज में कौन सा प्रोटीन किस कंडीशन में दिया जा सकता है, तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि ये लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि किस एज में कौन सा प्रोटीन और किस कंडीशन में लेना चाहिए और उसकी रिक्वायरमेंट उसकी डोसेस क्या होगी, ये बेटर रहेगा। ठीक है सर, डागर सर से बात करके हम एक चार्ट बनवा देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि सर कोई कंफ्यूजन है कि मतलब कौन से कंडीशन में कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। बेसिक तो, हाँ आपकी बात हमने समझ ली है, पॉइंट विल बी नोटेड हो गया है और वो आपको चार्ट के लिए भी हम आपको जल्दी प्रोवाइड कराएंगे सर। ठीक है सर। सुनीता रावत जी हैं हमारे साथ, सुनीता जी आपका सवाल। A12 जो भी है अपने आपको म्यूट रखें, बार बार अनम्यूट करते हैं। सुनीता रावत जी अपना क्वेश्चन पूछ करिए। गुड इवनिंग सर। हाँ सर, मेरी उम्र 40 प्लस है, तो जैसे वर्क करते ही घर पे ही वर्क करते हैं बहुत थक जाते हैं शाम को, मतलब बहुत थकान होती है, उसके लिए क्या ले सकते हैं? थकान आपको होती है तो उसके लिए आप अनफ्लेवर्ड प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड करिए खाने। यस सर, हमारे एक प्रोडक्ट है अनफ्लेवर्ड प्रोटीन, उसको आप अपने खाने में ऐड करिए, जैसे आटे में डाल दीजिए, दाल में, दिन में तीन को ही खाना, खाने के अंदर ही स्टार्ट करिए। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ तो आपको देना स्टार्ट कर। ठीक है सर, थैंक यू सर। राजीव जी पूछिए सर अपना क्वेश्चन। सर प्रोबायोटिक्स का क्या रोल हमारी बॉडी में होता है? मेरी उम्र 40 के आसपास है तो मुझे किस वे में लेना चाहिए अगर जरूरत है तो प्लीज। सर प्रोबायोटिक्स का रोल बेसिकली हमारे गट के लिए होता है, गट हमारा जो है वो सेकंड ब्रेन होता है। बेसिकली जितना भी आप खाना खा रहे हो वो सारा जो पचना है वो बैक्टीरिया के थ्रू ही पचना होता है। अब क्या होता है कि आज की डेट के अंदर हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन कह लीजिए फिर लार्ज इंटेस्टाइन, उसके अंदर गुड बैक्टीरिया की कॉलोनी कम होती जा रही है, क्योंकि हमारा प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा है, ऑयल बहुत गंदा हम लोग यूज कर रहे हैं, सॉल्ट बहुत ज्यादा है, शुगर बहुत ज्यादा है, उस वजह से वो बैक्टीरिया खत्म होने लग गया है हमारे गट के अंदर। तो उसके लिए हम लोग प्रोबायोटिक सप्लीमेंट का यूज करते हैं। तो अगर आपको प्रोबायोटिक सप्लीमेंट अपने लिए यूज करना है तो आप 360 M ले सकते हैं, वरना ऑल ग्रीन आप ले सकते हैं। ऑल ग्रीन सबसे अच्छा प्रोडक्ट है उसके लिए, जिसमें कि आपको एंजाइम्स भी सारे मिल जाएंगे, प्रोबायोटिक्स भी पूरा मिल जाएगा और लीवर के प्रोटेक्शन के लिए मिल्क थिसल भी। तो आप ऑल ग्रीन से स्टार्ट कर सकते हैं। सर कितना लेना चाहिए और किस टाइम लेना चाहिए? सबसे बेस्ट होता है सर मॉर्निंग के अंदर, एम्प्टी स्टमक अगर आप ले रहे हैं एंड उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही तो उस टाइम एम्प्टी स्टमक सबसे अच्छा है। और अगर आपको लगता है कि पीने के बाद आपको थोड़ा एसिडिटी या फिर कुछ ऐसा इश्यू आ रहा है तो खाने के बाद लीजिए, मॉर्निंग में लीजिए ज्यादा बेटर है। थैंक यू सो मच सर। अर्जुन जी है हमारे साथ, अर्जुन सिंह जी। अर्जुन सिंह जी सर। हेलो गुड इवनिंग सर, आवाज आ रही सर मेरी? हाँ जी सर। 2 साल के बच्चे को जो हमारा किट फार्मूला है वो तो कितनी मात्रा में ले सकते हैं ग्रोथ के लिए, उसकी जो है चल नहीं पा रहा है पैरों से? सर किट फार्मूला 2 साल के बच्चे के लिए तो रिकमेंडेड नहीं है। उसके लिए फार्मूला नहीं दे सर? नहीं सर वैसे तो नहीं दे सकते, बट अगर आप उनको बॉर्नविटा कॉम्प्लान या इसमें से कोई चीज दे रहे हैं तब दे सकते हो, वरना अगर नहीं दे रहे तो फिर उसका नेचुरल
मेरे को तो उसी से प्रोटीन पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ संगीता जी को। संगीता जी पूछिए अपना क्वेश्चन। सर मुझे पूछना है कि ये जो प्रोटीन लेते हैं ये फैट कटिंग का काम करता है क्या? अगर हम जिम कर रहे हैं तो कौन सा प्रोटीन ले सकते हैं जिससे कि वेट लॉस ना हो और बॉडी शेप में आए? वेट लॉस हो और बॉडी शेप में आए, वेट लॉस ना हो। वे एडवांस आप लीजिए। ओके, पच जाए तो मतलब पचने में भी इजी हो, क्योंकि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है थोड़ा। हाँ तो आपको ज्यादा सूट करेगा वे एडवांस या फिर आइसोलेट प्रोटीन, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो अपने बजट अकॉर्डिंगली। और प्रोटीन का डायरेक्ट काम नहीं होता फैट लॉस के अंदर, कि डायरेक्ट ही एक अकेले सप्लीमेंट्स हो जाएगा। तो नहीं, आप वर्कआउट कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, वो आपको मसल रिपेयर करने में हेल्प करेगा, बॉडी को शेप में लाने में भी मदद करता है प्रोटीन। बट साथ में जो डाइट ट्रेनर ने बता रखी है, डाइटिशियन ने जो भी कर रहे हो उसको भी फॉलो करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। ओके सर, मैंने पहले कभी मैंने एक कहना नहीं चाहिए हर्बल लाइफ का एक नॉर्मल से वो थे पर्सन, उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया था, बट उससे कुछ हुआ नहीं। गेन वेन गेनर भी दिया था लेकिन मेरे घुटनों में दर्द रहना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है इन सबका? नहीं नहीं मैम, एनर्जी नाइन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि हर्बल लाइफ के अंदर मैक्सिमम सोया प्रोटीन बेस्ड वो लोग प्रोटीन देते हैं। सोया को बचाना तो फ्यूचर के अंदर यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, जो कि घुटनों में अगर सेटल हो गया तो आपको पेन करता है थोड़ा। आइसोलेट हो गया, ये आपका वे खाना भी खाना है, इसके जो रिजल्ट्स हैं आपको मिलेंगे। ओके सर, थैंक यू।